अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप कराची में रहते हो तो कराची का मौसम इन्जॉय करोगे। कराची में बहुत ठंडी हवाएं चल रही है इस टाइम पे। तो क्योंकि चरसी कढ़ाई जो है सर्दियों में खाई जाती है और पेशावर में और दूसरी जगहों पे, तो अब सर्दियों से सर कनेक्शन है, तो हम भी यहाँ पर इसको कराची में बनाते हैं। हम देखते हैं सर क्या कनेक्शन है सर्दियों से, कि चरसी कढ़ाई का कनेक्शन क्या है यहाँ पर। तो बहुत मज़े की होती है और इसके हम आपको इसको बनाने का उसका रिव्यू भी देंगे इसको आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको चरसी कढ़ाई बनाना। आप हमारे साथ हैं, उसको एंजॉय करें। कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से टमाटर। ये आ गए टमाटर। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है हरी मिर्चें। हमें चाहिए इसके लिए ऑयल। कढ़ाई बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट रह गए, वो एक नमक और काली मिर्च। हमें चाहिए इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। यस इट इज। कढ़ाई के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो होती है कढ़ाई, जो कढ़ाई है लोहे की कढ़ाई है। और ये तो हमने इसके नीचे हमने इसको गरम करने रख दिया, और इसमें हम जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर इसमें हम डाल देंगे ये ऑयल। देखिए भाई लोगों, जो कढ़ाई जो है ना चरसी कढ़ाई, इसके लिए हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमें जो भी हमारा मटन है या चिकन है या बीफ है, इसको हमें ऑयल में डिप करना पड़ता है। तो ऑयल की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो खर्चा तो है लेकिन जायका भी उसी का ही है। अब हम इसमें चिकन अपनी ऐड कर रहे हैं। तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है। थोड़ी एहतियात के साथ हमने इसमें चिकन अपनी डाल दी है। हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो हमने इसमें चिकन डाल दी हमने। और हम इसमें अब ये नमक जो 2 टेबल स्पून है, जो कि 2 टेबल स्पून है, ये नमक हम इसमें ऐड करें, क्योंकि नमक में ही फ्राई होती है। ओके, और हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम इस चिकन को पकने देंगे। चिकन जो अपना पानी छोड़ेगी और हम इसको फ्राई करेंगे इसको। तो व्यूअर्स, हमारी चिकन जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे टमाटर, तो वो हम ऐड करते हैं। व्यूअर्स, जो चरसी कढ़ाई होती है इसमें टमाटर डलते हैं और साबुत डलते हैं, और जब ये थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो इनकी खाल खींच ली जाती है, मतलब इनकी स्किन जो है, जो उसकी जो वो है, खाल उतार दी जाती है इनकी। ठीक, अब हम इसका उसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा मतलब अंदर गल जाए सब कुछ। अब हम इसकी जो स्किन जो है वो रिमूव करें।
टमाटर होगी, देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। तो लगे ये गल चुके हैं। देखिए हमारे टमाटर जो है ना, उसकी हमने सबकी स्किन उतार दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको पिचका देंगे इनको टमाटर को। तो पहले अपनी कढ़ाई पर कर लें, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं उनका भी अब ये पानी जो है वो आ गया और ये हमारी कढ़ाई जो रेड कलर में टर्न हो चुकी है। अब इसमें हम हरी मिर्चें अपनी ऐड कर देंगे। हमने अपने टमाटर जो है उसको, जो हमारे बिल्कुल गल गए थे, रेडी हुए थे, हमने सबको बिल्कुल मैश कर दिया इसमें। अब हम इसमें जो ग्रीन चिलीज हैं, जो हरी मिर्च हैं, उनको ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर हम इसको कवर कर देते हैं ताकि इसका अरोमा जो है वो अंदर मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, इसके अंदर अभी कोई मसाला ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है, बस इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें एंड में काली मिर्च हम ऐड करेंगे और फिर हमारी डिश रेडी है। बस अब इसमें हम अब काली मिर्च ऐड करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई रेडी है, तो बस थोड़ा सा इंतजार है। अब हम इसमें हम काली मिर्च ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा फाइनल हमारा इंग्रेडिएंट है, तो लास्ट इंग्रेडिएंट, तो ये जो है हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। और मुझे इस मौके पे कज़न है अली अब्बास अमेरिका में, मुझे बहुत याद आता है, मैं बहुत मिस करता हूँ जब बनाता हूँ। और जब्बू अंकल, जी आंटी, देख लें भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आई मिस यू ऑल। और ये सब सब्सक्राइबर्स जितने हैं मेरे, उन सब के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसमें चाट मसाला और कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड की है, जिससे से बहुत मज़े का इसमें और आ गया। तो व्यूअर्स, हमारी जर्सी कढ़ाई रेडी है। अब मैं आपको इसी से मैं थोड़ा सा चख के बताऊंगा ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल टेंडर हो चुकी है चिकन, तो हम ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़बरदस्त, टू गुड, बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त।